अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक इमोलेटर देखा EMU 8086, जिसके अंदर हमने एक प्रोग्राम को लोड किया और उस प्रोग्राम की इमोलेशन देखी कि किस तरह उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ सिस्टम के कंपोनेंट्स तक आता है। इसी चीज़ को अगर हम पिक्टोरियली इलिस्ट्रेट करें तो वी हैव थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स। वी हैव CPU, वी हैव मेन मेमोरी एंड वी हैव IO मॉड्यूल। द इंस्ट्रक्शन वुड ईदर बी फैच फ्रॉम द मेमोरी और फ्रॉम द IO डिवाइस। यानी हमने बात की थी कि CPU इज सपोज टू कैरी आउट टू टास्क, फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन विल बी डन इन साइड अ CPU एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट विल ईदर बी फॉरवर्डेड टू द मेन मेमोरी और टू द IO मॉड्यूल। सो इन साइड अ CPU देर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, लाइक वी हैव PC विच इज़ अ प्रोग्राम काउंटर, जिसको हमने अपनी एमुलेशन में IP यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से देखा था। दैट होल्ड्स द ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन आके लोड होगी। वी हैव अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वी कॉल इट अ एग्जीक्यूशन यूनिट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। वी हैव मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर एंड लाइकवाइज वी हैव IO फॉर IO डिवाइसेज। वी हैव IO एड्रेस रजिस्टर एंड IO बफर रजिस्टर। दीज आर एक्चुअली द कंपोनेंट्स। यानी अगर हम इनसाइड CPU देखें तो इनसाइड CPU वी हैव दीज कंपोनेंट्स दैट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेज। सब्सिक्वेंटली फॉर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन मस्ट अंडरगोज बाई टू सब्सिक्वेंट साइकिल, फैच साइकिल एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। एंड बोथ साइकिल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन फैशन। लाइक जिस वक्त अगर एक इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल में है तो वो उस वक्त एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होगी, और जब एग्जीक्यूशन होगी तो उस वक्त वो इंस्ट्रक्शन फैच नहीं होगी, अगली इंस्ट्रक्शन फैच हो सकती है। तो ये दोनों स्टेप सब्सिक्वेंट है, यानी पहले फैचिंग होगी एंड देन सब्सिक्वेंटली विल गो फॉर द एग्जीक्यूशन। मैथमेटिकली वी कैन से इट अ इंस्ट्रक्शन साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ अ फैच साइकिल प्लस द एग्जीक्यूशन साइकिल। पिक्टोरियली वी हैव अ स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट नीड टू बी फैच एंड देन इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूट। यही चीज़ हमने अपनी एमुलेटर में देखा था कि जैसे ही हम सिंगल स्टेप मोड पे क्लिक करते थे वो इंस्ट्रक्शन फैच होती थी और फिर वो एग्जीक्यूट होती थी। दोबारा क्लिक करने पे अगली इंस्ट्रक्शन फैच होती थी और वो एग्जीक्यूट होती थी। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि प्रोग्राम की या तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, या अगर प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का कोई एरर है या कोई हॉल्ट स्टेट आती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा, वो हॉल्ट स्टेट की तरफ आ जाएगा। अगर हम स्टेप्स देखें कि फेच साइकिल में क्या क्या होता है और एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या क्या होगा, तो द फर्स्ट प्रोग्राम काउंटर और द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दैट होल्ड्स द ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमने देखा कि जिस तरह हम जैसे ही एक सिंगल स्टेप मोड पर क्लिक करते थे IP की वैल्यू अपडेट होती थी। सब्सिक्वेंट टू द अपडेट ऑफ IP, IP की वैल्यू जैसी अपडेट होगी, अगला स्टेप होगा प्रोसेसर फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी पॉइंटेड बाई IP। ये सिर्फ IP नहीं होगा, IP भी होगा और कोड सेगमेंट भी होगा, कि वो मेमोरी एड्रेस जो कि CS और IP, जिसको हम यहाँ प्रोग्राम काउंटर कह रहे हैं, वो जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है मेन मेमोरी से, वो प्रोसेसर उसको फैच करेगा। फैच करने के बाद फैचिंग का काम कंप्लीट हो गया। नाउ प्रोसेसर वुड अपडेट द प्रोग्राम काउंटर फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। द इंस्ट्रक्शन दैट इज फैच वुड बी लोडेड इन टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड देन प्रोसेसर इंटरप्रेट्स दैट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। दिस इज सेम एज वी हैव सीन इन द एमुलेटर। इन साइड द एग्जीक्यूशन साइकिल वी हैव दीज फाइव स्टेजेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल we have execution like processor to memory execution that transfers the data between CPU and the memory. We have processor and IO between the processor and the IO that transfers data between CPU and IO devices. We have some processing operation like arithmetic logical operation. We have control process. We may have the control process inside the execution, that is the alteration of the sequence like the jump instruction, or it could be a combination of these
इंस्ट्रक्शन, लाइक इन वन इंस्ट्रक्शन देयर कुड बी प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एज वेल, बोथ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. तो दीज आर द स्टेप्स इन साइड द एग्जीक्यूशन साइकिल एंड दीज आर द स्टेप्स इन साइड द फैच साइकिल. एम्पेरिकली अगर हम इसको देखें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम कहते हैं कंसीडर अ सिंपल हाइपोथेटिकल मशीन, बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर ऑफ 16 बिट. यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो साइज होगा दैट वुड बी 16 बिट, लाइक फ्रॉम 0 to 15, एंड फॉर डेटा वी हैव अगेन 16 बिट, दैट इज 0 to 15. इन डेटा फर्स्ट बिट शोज द साइन ऑफ अ वैल्यू एंड द रेस्ट ऑफ द 15 बिट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, लाइक वी हैव स्टडीड इन द साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम. आगे सवाल में है द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट प्रोवाइड 4 बिट्स फॉर ऑप कोड. इन साइड द इंस्ट्रक्शन वी हैव ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड एंड ऑपरेंट्स इन साइड द इंस्ट्रक्शन. सो द 4 बिट्स आर रिजर्व फॉर द ऑप कोड. सिंस वी हैव 4 बिट फॉर द ऑप कोड, सो वी कैन हैव 16 ऑप कोड्स इन साइड दिस इंस्ट्रक्शन. एंड रेस्ट ऑफ द 12 बिट्स आर रिजर्व फॉर द मेमोरी एड्रेस जहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच करना है. अब अगर हम इसको इलिस्ट्रेट करें, हम अगर इस ऑप कोड को देखें, तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट्स से वी हैव 3 ऑप कोड, 0001 विच इज 0. इस ऑप कोड का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी. यानी जब भी इंस्ट्रक्शन की शुरू की 4 बिट में 0001 आएगा, यानी कि 1 आएगा, तो एक्यूमुलेटर लोड होगा मेमोरी से, यानी मेमोरी की वैल्यू लोड होगी एक्यूमुलेटर में. अगर ऑप कोड 0010 जो कि 2 के बराबर है, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन की शुरू की 4 बिट 2 को कोरोस्पॉन्ड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमने सपोज किया कि ये स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर 2 मेमोरी. अगर ऑप कोड की वैल्यू 0101 है विच इज 5, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन की वैल्यू 5 होगी तो वो ऐड करेगा एक्यूमुलेटर की एग्जिस्टिंग वैल्यू को मेमोरी की नई वैल्यू के साथ. यानी हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं कि 1 का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर, 2 का मतलब है स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, एंड 5 का मतलब है एडिशन. इसका अगर हम यहाँ पे स्टेट देखें तो हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेट्स आ रही हैं, जिसमें पहली जो ये तमाम स्टेट्स हैं ये फैचिंग वाला काम कर रही हैं, एंड सेकेंड स्टेट इज एग्जीक्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज रखी हैं कि वी हैव मेमोरी, वी हैव सी पी यू रजिस्टर्स. ईच मेमोरी इज लोकेटेड बाई इट्स ऑफसेट एड्रेस, लाइक 300, 301, 302, 940, 941. दीज आर द ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ मेमोरी, एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड अ मेमोरी, लाइक 1940, 5941, 2941. दीज आर द इंस्ट्रक्शन इनसाइड अ मेमोरी. हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमने अलर्ट किया कि प्रोग्राम काउंटर जो कि आईपी जिसको हम कहते हैं, इसकी वैल्यू है 300. तो इसने फौरन गया 300 के ऊपर, और 300 के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है 1940, इसको फैच किया और इसको लेके आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. यानी ये वाला फैचिंग वाला पार्ट 300 वाली इंस्ट्रक्शन की फैचिंग हुई. फैचिंग के बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास आ रहा है कि अब हम इस इंस्ट्रक्शन को जो कि हमारे पास 1940 इंस्ट्रक्शन की, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ये 1940 ये हैक्स में लिखे हैं, इसका मतलब है कि ये टोटल 16 बिट हैं, जिसमें से ये शुरू के ये जो हैक्स है 1, ये शुरू के 4 बिट का हैक्स है. तो यहाँ पे 1940 का मतलब हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 1 का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी. तो इसने देखा 940 के ऊपर वैल्यू पड़ी थी 0003, तो 0003 की वैल्यू को लोड कर दिया एक्यूमुलेटर के अंदर. ये इंस्ट्रक्शन फैच हो गई और फिर ये एग्जीक्यूट हो गई. इसके बाद इसके साथ साथ ही जैसे ही ये फैच हो गई थी, प्रोसेसर ने प्रोग्राम काउंटर को अपडेट किया और अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो गई 301. अगले स्टेज में अब 301 वाली इंस्ट्रक्शन फैच होगी. तो हमने यहाँ देखा 301 के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है 5941.
5941 ये इंस्ट्रक्शन लोड हो गई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, यानी फैचिंग होगी। अब स्टेप नंबर 4 में इस 301 वाली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होनी है। 3041 पे हमने देखा यह है 5941, जिसकी 5 का मतलब हमने देखा था कि एडिशन है और 941 उसका मेमोरी एड्रेस है। तो 941 पे हम गए तो यहाँ पर वैल्यू पड़ी थी 0002, ये 002 की वैल्यू ऐड हो गई 0003 में, देन इट बिकम्स 0005, और साथ ही इसने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसी तरह अगले स्टेज के अंदर फिर 302 की इंस्ट्रक्शन फैच हुई। 302 पे इंस्ट्रक्शन है 2941, ये इंस्ट्रक्शन लोड हुई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 2941, और अगले स्टेज में फिर ये एग्जीक्यूशन की तरफ आई। 2941 में हमने देखा कि 2 का मतलब हमने पढ़ा था कि 2 का मतलब है कि स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, और 941 उसका मेमोरी एड्रेस है। तो हमने देखा एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी है 0005, और इस 0005 की वैल्यू को स्टोर करे फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू मेमोरी एट द एड्रेस 941। तो हमने देखा कि ये 0005 आके स्टोर हो गया मेमोरी के ऑफसेट 000 मेमोरी के ऑफसेट 941 पे। तो दिस इज अ एम्पिरिकल एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड देन एग्जीक्यूशन।